तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग यहाँ पर मेरे को देख सकते हो और दिनेश को देख सकते हो, शिवराज को देख सकते हो, विशाल को देख सकते हो। हम दोनों ने यहाँ पर ब्लैक ड्रेस पहन रखी है, ब्लैक जूते पहन रखे हैं, ब्लैक शर्ट है, ब्लैक पैंट है और इन दोनों के भी बिल्कुल व्हाइट शर्ट है, व्हाइट पैंट है, यानी कि सब कुछ इनके व्हाइट है। और आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हो पूरी की पूरी जो ये हट है वो ब्लैक है और आप लोग यहाँ पर इन लोगों के पीछे देखो बिल्कुल व्हाइट हट है। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम दोनों, हमारी ए टीम और हमारी बी टीम, हमारी रहेगी ब्लैक टीम और उनकी रहेगी व्हाइट टीम, हमें अनलिमिटेड टाइम तक इन्हीं झोपड़ी के अंदर रहना है, चाहे रात पड़ो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ भी हो। और गाइस खाने पीने की चीज हमारी सारी की सारी चीजें होगी ब्लैक और उनकी होगी व्हाइट। तो भाई आपको बता दूं यार, एक ही एक कलर देखकर दिमाग का जो इल्यूजन है वो खराब हो जाता है, यानी अगर हमारा दिमाग जो है वो चकरा जाता है और एक ही एक चीज खिलाई जाए, पिलाई जाए, वैसी की वैसी चीज दिखाई जाए तो यार हमारे दिमाग के ऊपर भी असर पड़ सकता है। हो सकता है यार इनके दिमाग के ऊपर भी काली काली चीजें देखकर असर पड़े और हमारे दिमाग के ऊपर भी सफेद सफेद चीजें देखकर असर पड़े। तो भाई यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम तक हमें बाहर नहीं निकलना है और लास्ट में देखते हैं कि भाई कब हमारा जो दिमाग का भ्रम है वो इतना ऊपर पहुंच जाता है कि हमारा चैलेंज जो छोड़ने का मन करना शुरू कर देता है। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अगर आप भी हमारी तरीके से जिंदगी को मजेदार बनाना चाहते हैं और खुलकर जीना चाहते हैं और तो मेरी तरीके से एक बार आपको बैटरी ऐप का यूज जरूर करना चाहिए। तो अब देखो बैटरी एप्लीकेशन है क्या, ये एप्लीकेशन है इंडिया के अंदर नंबर वन, क्योंकि यार यहाँ पर इनके साथ बहुत सारे गेम्स के भंडार, यहाँ पर आप सिर्फ खेल ही नहीं सकते बल्कि खेलने के साथ साथ आप इसके अंदर पैसे भी कमा सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो भाई यहाँ पर आपको बहुत सारे क्रेश गेम, बहुत सारे अलग अलग स्लॉट गेम्स और यहाँ तक यार ब्लैक जैक, रूलेट, बैकरेट और बेट ऑन पोकर जैसे कमाल के गेम बैटरी एप्लीकेशन के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर जो अपना जो लिंक है ना वो मैंने पिन कर दिया है और मेरा प्रोमो कोड FUN यानी कि यार फन यूज करो और पाओ 150% तक का बोनस और 50 फ्री स्पिन अपने पहले डिपॉजिट पर। भाई बैटरी एप्लीकेशन आपका इंतजार कर रही है तो बिल्कुल भी मिस मत होने देना। तो भाई टीम ए के लिए यहाँ पर ब्लैक रूम रेडी है और टीम बी के लिए यहाँ पर व्हाइट रूम रेडी है। तो मैं और दिनेश क्या करते हैं यहाँ पर इस ब्लैक रूम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों को बिल्कुल जो खाना पानी है वो बिल्कुल ब्लैक में ही करना है, यानी कि जो भी आइटम हम लोग खाएंगे वो काला ही रहेगा, ठीक है। और भाई ये देखना है कि हमारी टीम ए सबसे पहले परेशान होकर बाहर आती है अनलिमिटेड टाइम में या फिर टीम बी। और अब मेरे 1 2 3 कहने के पर ये चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। रेडी हो? यस। तो भाई आप लोग भी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि फ्री का बटन है, जितने उसको दबाओगे उतना मजा आएगा। तो जल्दी से दबाओ, फ्री का बटन है। तो 1 2 3 गो। चलो भाई चलो, 3 गो चलो, आगे आगे। तो भाई टीम ए यानी कि टीम ब्लैक जो है वो यहाँ पर अपने घर के अंदर आ चुकी है। तो भाई हमारा जो महल आशियाना और आज का, कल का, परसों का अनलिमिटेड टाइम का जुगाड़ बिल्कुल व्हाइट है। हम धोले रूम में आ चुके हैं, वो काले रूम में जा चुके हैं। अब आगे भाई परेशानी ही परेशानी है। अरे सब सफेद ही सफेद है यार, चारों तरफ से सफेद ही सफेद लग रहा है। सबसे पहले गाइस ये जो ब्लैक रूम है ना वो भाई सूरज के कारण बहुत ज्यादा गर्म है, भाई गर्मी लग रही है हमको। और भाई सुविधा के नाम पर इस ब्लैक रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ना तो ओढ़ने के लिए, ना कुछ हवा खाने के लिए, ना और कुछ हमारे यहाँ पर है। और भाई इस ब्लैक रूम के अंदर है ना, मतलब गर्मी तो हो ही रही है लेकिन मेरा जो है भाई दम घुट रहा है, क्योंकि एक तो ऊपर से ब्लैक और ऊपर से सूरज की हीट लगी, घुटन हो रही है। तो भाई हमसे बेनिफिट में ज्यादा वो है क्योंकि उनके बिल्कुल व्हाइट है। भाई हमने सोचा था व्हाइट रूम के अंदर रहना थोड़ा बेनिफिट होगा लेकिन यार यहाँ पर तो बिल्कुल चीजें उल्टी चल रही है। हो सकता है वो हमसे ज्यादा परेशान हो लेकिन भाई हम इतने परेशान है इस व्हाइट रूम के अंदर भाई पूछो मत, क्योंकि यार ये जो पन्नी है ना व्हाइट रूम की
वो भाई हमें बहुत ज्यादा गर्म कर रही है यहाँ पर अंदर, आंखों के चुभ रही है। और आपको हमारी वॉइस में भी थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम किसी माइक से बोल रहे हैं, ऐसी आवाज जो है बहुत तीखी हो चुकी है। ये पता नहीं क्या कारण लगा यहाँ पर आने का, और आपने भी इस मैं बोल रहा हूँ उसके माध्यम से नोट किया होगा। तो गाइस इस ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज के अंदर इनको सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी। और पहले इनको हल्का नाश्ता करवा देते हैं, नाश्ते की शुरुआत करेंगे मिठाई से। ब्लैक वालों के लिए ये ब्लैक मिठाई और व्हाइट वालों के लिए ये व्हाइट मिठाई है। आज तो इनको ब्लैक एंड व्हाइट खा खा कर पकने दो। ये ब्लैक ये व्हाइट। ब्लैक रूम के अंदर बैठे बैठे काफी परेशान हो चुके हैं, तो अब करते हैं ब्लैक खाने से नाश्ता। तो हमारे लिए नाश्ता आ चुका है भाई, एकदम ब्लैक गुलाब जामुन हमारे लिए आए हैं, पूरे काले। सब सफेद सफेद ही सफेद मंगा रहे हैं। ये प्लेट ऐसे चमकीली सफेद क्या कर रहे हो यार, प्लेट का तो कुछ कलर अलग दो। चीजें व्हाइट है, यहाँ तक कि मिठाई भी व्हाइट है, इसको तोड़ रहे हैं अंदर भी व्हाइट। लेकिन भाई अब कोई ना कोई चीज कलरफुल मिल जाए तो भाई मजा आ जाए, वरना यार ये व्हाइट देख कर तो यार पागल हो जाएंगे सही में। तो भाई देखो, काला गुलाब जामुन, काला शर्ट, काला रूम, काला चश्मा, काले बाल, सब कुछ काला। और भाई हम लोग जो है सब कुछ काला कलूटा देख कर इरिटेट हो चुके हैं। इतने जल्दी भाई, अभी टाइम ही क्या हुआ है, लेकिन सोचो हमें पूरे के पूरे अनलिमिटेड टाइम इसके अंदर गुजारना है भाई, काली चीजें देखकर। खाने के अंदर काली चीजें होती भी कम है, और इन्हीं लिमिटेड चीजों से हमें अनलिमिटेड टाइम इस काली झोपड़ी के अंदर रहना है। भाई इस झोपड़ी के अंदर आए हुए हमें लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, और भाई हमने अभी तक पानी नहीं पिया है, क्योंकि भाई पानी का कोई भी कलर नहीं होता, आप सबको पता है। भाई हमें पीनी है अब कोल्ड ड्रिंक, हमें पीनी है काली, और उन लोगों को पीनी है व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक आ रही है, और यहाँ पर विशाल की हालत ऐसी हो रखी है भाई, कब से यहीं बैठे हैं। भाई आपको बता दूं, रात के अंदर और हमारी हालत खराब होगी, क्योंकि यार ये जो है हमारी हट पेपर से बनी है, और रात के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, और हालत हमारी बहुत 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 ज्यादा खराब हो जाएगी। ऊपर से ये इल्यूजन, ऊपर से ये सर्दी, भाई इस बार तो मर गए सच में। अक्सर क्या है, ये ब्लू आता है, लेकिन ये भी ब्लैक है, यानी कि ऑल टोटल पूरा का पूरा ब्लैक है। तो हम पीते हैं ब्लैक कोल्ड ड्रिंक। तो भाई हमारे लिए पानी नहीं है, पानी का कोई कलर नहीं होता, तो इसके लिए पानी की जगह ये कोल्ड ड्रिंक आई है। क्या करें भाई, अब पानी की जगह ये है, देख लो बिल्कुल व्हाइट है भाई, पानी नहीं है, पानी पीना ही नहीं है। माय गॉड भाई हमारा पानी थोड़ा सा कम पड़ गया है। और भाई इसने यहाँ पर है ना ये कोल्ड ड्रिंक गिरा दिए, अब चींटियाँ हमला कर सकती है किसी भी टाइम। भाई टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, और अब शाम ढलने वाली है, यानी कि लगभग शाम का टाइम हो चुका है, सर्दी लगना स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि देखिए शिवराज शर्ट के अंदर है सिर्फ, और मैंने भी थोड़ी सी इनर और ऊपर ये हाफ टी शर्ट है, तो भाई इन्हीं कपड़ों के अंदर रहना पड़ेगा, और प्रकोप सर्दी का कितना ज्यादा इन पर्दों के अंदर आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बैठे इस ब्लैक रूम के अंदर काफी परेशान हो चुके हैं, और अब
अंधेरा भी होने वाला है, तो भाई अब एक और चैलेंज रहेगा। इतनी देर तक तो हम क्या है, गर्मी गर्मी पड़ रही थी इसके अंदर, लेकिन अब रात को पड़ेगी ठंड, क्योंकि भाई ये ज्यादा मजबूत नहीं है। तो दिन के अंदर तो ये गर्मी देता है, अब रात के अंदर इसके ऊपर पड़ेगी ठंड। तो अब शिवा और जीतू क्या करेंगे, हमारे लिए बिस्तर लेकर आएंगे। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई हमें काली चीजें खानी है, काला फूड खाना है, उसके अंदर क्या क्या आता है वो ये लोग लेके आएंगे, वही हमें खाना है बस। और अगर काले फूड नहीं मिले तो हम लोगों को पूरी रात भूखा रहना मरना है। तो मिलेंगे या फिर नहीं वो भी सवाल है। जैसे घोर अंधेरी रात हो चुकी है ना, वैसा लग रहा है अब लाइट ऑन करते हैं भाई अंदर। 1, 2, 3 वो भी व्हाइट है, ये देखो वो भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है, आज तो हर जगह व्हाइट ही व्हाइट है। तो भाई अब इसके अंदर ब्लैक रूम के अंदर बैठे बैठे काफी परेशान हो चुके हैं, हम तो परेशान हो ही चुके हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारा जो पेट है ना वो भी काफी परेशान हो चुका है, उसको भी काफी भूख लगी है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और नाश्ता करते हैं। तो अब मंगवाते हैं जीतू और शिवा से नाश्ता, वो भी ब्लैक वाला। तो भाई यहाँ पर इसमें क्या है, अरेबिका इसमें क्या है, अरेबिका दे भाई इसके अंदर है ब्लैक बिस्किट। अरेबिका एक मिनट दिखा, इधरा भाई उनकी वो जाने, हमारे लिए तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक बिस्किट आए हैं भाई। क्या लेके आया है? अरे ये कहाँ से लेके आ गए यार, ये भी व्हाइट बिल्ली होती है नमकीन तो। एक मिनट ये कैसी, मैं एक बार टेस्ट करता हूँ। मीठी नमकीन है, मीठी है। हाँ तो भाई हैरत की बात ये है कि यहाँ पर व्हाइट नमकीन है, येलो जरूर होती है, थोड़ी पीली पीली नमकीन जरूर होती है, लेकिन व्हाइट है भाई। ये देख लो कोई रोशनी से वो कोई इफेक्ट नहीं है, व्हाइट है सच में। उनके लिए व्हाइट नाश्ता आ चुका है और हमारे लिए ब्लैक नाश्ता जो है वो आ चुका है, यानी काले काले बिस्किट है। तो भाई इनका टेस्ट है ना एक दो तक तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा खा रहे हैं ना तो मुंह जो है खारा हो चुका है। तो भाई इन्हीं से टाइम पास करना पड़ेगा। अरे काली चीज हमें दे दो। नहीं और भाई तुम व्हाइट हमें दे दो, ले जाओ यार ले जाओ। पता नहीं काली काली क्या क्या चीजें खाएंगे और भाई कौन कौन सी चीजें खाएंगे, हमें खुद को भी पता नहीं, ये लोग दे रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं। तो भाई टाइम जो है वो हो चुका है 9:10 और भाई अब क्या करते हैं, कैप वगैरह पहन लेते हैं, और जो मेरी कैप है वो भी बिल्कुल ब्लैक है। तो भाई ठंड पड़ रही है और ओढ़ने के लिए यहाँ पर ये कंबल आ चुकी है, और ये जो कंबल है वो भी काली है, काली काली है भाई। हमारे आसपास देख लो, रोशनी सफेद है, ये सफेद है, हमारे कपड़े सफेद है, और अब ये ओढ़ने वाली सफेद है, फर्श सफेद है, हर एक चीज सफेद है भाई। और अभी जो है ना भूख कम है भाई, लगभग 10 की तब हम खाना खाएंगे, और रात के अंदर तो भाई यहाँ पर इतनी ठंड पड़ेगी क्या ही बताऊँ, कोई हद नहीं है भाई ठंड की। और यहाँ पर जो है इतनी इस गेट से हवा आ रही है ना, उसकी कोई आप पूछो मत। और हमेशा की तरह ऐसा माहौल नहीं है जैसा होता है, बिल्कुल अलग माहौल है। व्हाइट देख देख के यार पूरा दिमाग जो है वो व्हाइट, अब हर चीज को व्हाइट रीड कर रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ तो। मतलब हम कलर लेस हो चुके हैं, हमारी आंखें सिर्फ व्हाइट व्हाइट रीड कर रही है, बाकी चीजें कोई चीज को पहचान ही नहीं पा रही है भाई क्या है, सब चीज व्हाइट दिख रही है हम लोगों को। क्या लेके आए हो भाई? भाई रात के बजे 11:30 आपको बता दूं, और भाई यहाँ पर पड़ रही है बहुत तगड़ी वाली सर्दी, और भाई दोपहर से कुछ भी ज़्यादा हम लोगों ने खाया नहीं है, और यहाँ पर ये लोग लेके आए हैं ब्लैक कलर की चॉकलेट मेलोडी, भाई इससे भूख थोड़ी मरेगी यार। भाई गुलाब जामुन खा लिए, काले वाले बिस्किट खा लिए, अब ये आई है हम लोगों के सामने ये चॉकलेट भाई। अरे यार परेशान हो गए यार इनको खा खा के। क्या आया भाई? लो केडियो लो। और भाई यहाँ पर जो है व्हाइट, ये भी व्हाइट, फिर से सफेद। अरे यार तुम्हें दिमाग कहाँ से सूझ रही है ये चीजें?
भाई एक मिनट ये पन्नी भी सफेद है भाई, आपकी कसम सफेद चीजें देख देख के मेरा सर चकरा रहा है। अभी मैं पता नहीं बिना ही मतलब की चीज के ऊपर हंस रहा था। अरे वाह यार, इसको तो खिला। खाना कब दे रहे हो भाई? एक घंटे बाद में 11:30 बजे। रात को 12:30 बजे खाना दोगे? तो भाई रात के लगभग 12:30-1 बजे हमें खाना मिलेगा। भाई पागल हो जाऊंगा यार सफेद चीजें देख देख। अब दिमाग में अगर आंखें बंद कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है सफेद रेलगाड़ी चल रही है, सफेद भैंस जा रही है। क्या बोला तुम? सफेद भैंस जा रही, सब कुछ सफेद चल रहा है, काला कुत्ता भी सफेद हो रहा है। वाह क्या सीन है। आपको बताऊं 2:01 हुई है रात की। और भाई मैं आपको बता दूं भाई, भूख अब बहुत तगड़ी लग चुकी है क्योंकि भाई टाइम पास ही किया अभी तक खाने के अंदर। तो जी तू एक काम कर, अब कुछ खिला दे यार। क्या खिलाएगा? मैगी बन रही है। मैगी? हाँ। मैगी तो व्हाइट होती है नहीं यार, ब्लैक वालों के लिए। ब्लैक वालों के लिए ब्लैक बनेगी। ब्लैक बनेगी? ब्लैक मैगी। ब्लैक मैगी अच्छे से बना के लाना भाई, और कुछ खिला मत देना कहीं मर जाएंगे। ब्लैक मैगी, इसमें व्हाइट है भाई। ये कौन सी ब्लैक मैगी बना दी आज? नहीं भाई, आप लोग इधर देखो, ये मैगी है भाई। ये कलर देखो मैगी का। ब्लैक भले ही हो पर टेस्ट बहुत तगड़ा है इसका। आपके लिए खाना। ये खाना है? ये खाना है। ये अच्छा, ये खाना। क्या भाई, खाना समझो या नाश्ता समझो? मैगी है व्हाइट। 2:00 मीठी है ना? फीकी है। व्हाइट यही है, व्हाइट। इसके अंदर ना कोई मसाला है ना कुछ है, व्हाइट यही है। तो बस काले होनी चाहिए, मेहनत की है तुमने। फीकी है यार, पूरी फीकी है भाई, ये कोई मतलब नहीं है इसका। और कुछ है क्या यार भाई? चलो आपके लिए मिठाई लेके आते हैं साथ। लाओ यार, लाओ कुछ और लाओ भाई। भाई हम लोगों ने मैगी फिनिश कर दी है और इधर आ चुके हैं गोल मटोल बिकाजी गुलाब जामुन काले काले। ओ भाई गुलाब जामुन के अंदर तो भाई कुछ जुगाड़ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो गुलाब जामुन है वो ऑलरेडी काले ही आते हैं। मैगी के अंदर जीतू को और शिवा को जुगाड़ करना पड़ा था, मैगी के अंदर फूड कलर डाल के उसको काला किया था, लेकिन गुलाब जामुन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी काले ही आते हैं। सफेद घासपूस तो नहीं खाया जा रहा भाई, बिल्कुल भी। तो साइड में कर दो यार, आंखें चकरा रही है। इसके अंदर क्या? अरे फिर सफेद यार, फिर सफेद। लेकिन इससे टाइम पास करेंगे भाई। पहली बार कोई अलग कलर दिखने को मिला है, इनकी गलती की वजह से पूरा डब्बा ही पकड़ा दिया। डब्बा दे दिया क्या? हाय ये कौन सा कलर है भाई? चलो अच्छी बात है, फिर भी इसके अंदर से तो यार चीजें सफेद ही निकलेगी भाई। फिर सफेद चीज यार, लेकिन भूख मिटानी पड़ेगी भाई, तो खाना तो पड़ेगा ही। ये मस्त है भाई, ये आराम से खा सकते हैं। और टाइम हुआ है 2:12 और अब खाना खा रहे हैं, वो भी व्हाइट वाला। तो भाई इस वाइट रूम के अंदर रह रह के सच में यार सर चकरा रहा है। तो अब भाई सोने का टाइम है क्योंकि लगभग टाइम 2:30 बज चुकी है। तो भाई टाइम जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टाइम क्या हो चुका है, 2:25 हो चुके हैं। और भाई सर्दी बहुत है और मेरे को और दिनेश को इसी कंबल के अंदर आज एडजस्ट होना पड़ेगा क्योंकि भाई ब्लैक रंग की जो कंबल है वो एक ही मिली थी। और सोजा दुआ करना सुबह तक जिंदा रहे। गुड नाइट। गुड नाइट। तो भाई गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। भाई हम लोगों की यहाँ पर सुबह हो चुकी है जैसे तैसे करके, क्योंकि इस ब्लैक रूम के अंदर भाई रहना इतना मुश्किल हो चुका है। एक तो सर्दी है, ऊपर से भाई ये जो नीचे वाली पन्नी है ना वो भी भाई बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है भाई। बिल्कुल भाई, और मेरी तो जो है तबीयत खराब हो गई है क्योंकि ये एक ही थी हम दोनों के बीच में ओढ़ने के लिए। जुकाम हो गया, पूरा जाम हो चुका हूँ।
और भाई दिन हो चुका है और अब हमारे लिए है ना जीतू चाय बना रहा है और उनके लिए लेकर आएगा व्हाइट दूध। तो अब थोड़ी बहुत जो है रिकवरी होगी क्योंकि चाय पीने के बाद। और भाई अब देखते हैं वो लोग उठे या नहीं। अरे शिवराज, विशाल, विशाल उठ गए क्या? वो लोग भी उठ गए भाई, हम लोग सुन रहे थे उनकी बातें, उनको भी बिल्कुल ही नींद नहीं आई थी भाई। उठ गए हैं लेकिन नींद है ना वो रात को बिल्कुल आई नहीं है, आंखें बिल्कुल सूज चुकी है हमारी और हालत यहाँ पर इतनी खराब है भाई पूछो ही मत यार। शरीर पूरा अकड़ चुका है, बोल रहे हैं तो वर्ड भी पता नहीं बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। शरीर पूरा अकड़ चुका है, इतनी ठंडी थी नीचे वाली ये पन्नी भाई, बिल्कुल 1% नींद ही बस ऐसे ही पड़े हुए थे। अरे क्या छोड़ोगे क्या रे? अभी तक तो बैठे हैं यार, छोड़ने का मन तो कर रहा है लेकिन क्या करें, वो छोड़ दें क्या? यार भाई सच बताऊं ना तो इस रूम में रह के है ना भाई घुटन से हो रही है, अब तो एक एक चीज दिख रही है। अब देख लो तुम्हारी घुटन हो रही है तो हमारी क्या कंडीशन हो रही होगी, क्योंकि हमारे ब्लैक है उनके भाई, ब्लैक रूम है तो उनको थोड़ा बहुत है ना नुकसान ज्यादा है मेरे ख्याल से यार, क्योंकि मैं तो व्हाइट में हूँ लेकिन उनको नुकसान पक्का ज्यादा है। तो भाई सुबह की फ्रेश मॉर्निंग के लिए ये दूध किसका है? दे दे यार हमें। तो भाई हमारे लिए यहाँ पर आ चुकी है चाय और अब उनके लिए जाएगी व्हाइट रूम वालों के लिए दूध। भाई सुबह सुबह इतनी ठंड के अंदर ये चाय मिल गई, मजा आ गया भाई, थैंक यू जीतू। क्या यार ये दूध आया है भाई, दे 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 यार। अब भाई एक बात बताओ ना, ये काली चीजें देख देख कर, काली चीजें खा खा कर, खास कर से ये जो काली चीजें है ना उनको खा खा करके भाई दिनेश मेरा तो जो है ना भाई मतलब वो अजीब सा वो हो रहा है, जैसे उल्टी होगी अब। और भाई मेरे पेट के अंदर कुछ दर्द कर रहा है, वैसा वैसा लग रहा है क्योंकि भाई हम लोगों ने मीठी मीठी चीजें खाई थी, बिस्किट, गुलाब जामुन, काली मैगी, मतलब ऐसा हो रहा जैसे उल्टी होगी यार। भाई अभी जो दूध पिया था वो पी तो लिया है लेकिन अब वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है वापस। और भाई इतनी व्हाइट चीजें खाई है, अब पता नहीं जब चैलेंज छोड़ेंगे और वो करेंगे तो भाई हो सकता है सुसु भी व्हाइट हो आज, व्हाइट निकले भाई, कुछ नहीं कह सकते यार। भाई पिछले 1.5-2 घंटे से गुड्डू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, क्या क्या हो रहा, पेट दुख रहा है क्या? अरे भाई बैठा नहीं जा रहा, पेट दर्द नहीं कर रहा लेकिन जी मचल रहा है, वो जो वो कल बिस्किट खाए थे ना, बिस्किट काली काली गुलाब जामुन गाइस, मिठाई मिठाई खा के भाई अंदर से ना बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है भाई। भाई क्या हो रहा, क्या मैं लीव कर रहा हूँ भाई इस चैलेंज को, बाहर जाएगा? बाहर जाऊंगा यार, कभी भी उल्टी हो सकती है भाई। सही सही बता तेरी कसम, हो भी सकती है नहीं भी यार, मैं तो जा रहा हूँ भाई। मेरा टीममेट गुड्डू बाहर चला गया और भाई हालत मेरी भी बहुत ज्यादा खराब है। अरे क्या हुआ, निकल गया? निकल गए भाई हम लोग, ये बहुत डेंजर रूम है भाई। है भाई बाहर आ गए और उसको उल्टी हो रही है, क्या हुआ? उल्टी हो रही है। नीचे बैठ। भाई सच बताऊं ना तो ये ब्लैक रूम बहुत ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू व्हाइट रूम के, हालांकि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, रात भर नींद नहीं आई और भाई इतनी खराब है कि व्हाइट पेंट की ऐसी हालत हो चुकी है, देख लो भाई। तू क्या दिखा रहा है ऑडियंस को भाई, क्या दिखा रहा है भाई, इतनी हालत खराब है। क्या मैसेज आएगा बता? मैसेज ये जाएगा कि व्हाइट रूम और ये ब्लैक रूम है ना दोनों खराब है। अब कुछ दिनों तक भाई थोड़ा यार दिमाग में भ्रम ही रहेगा कि व्हाइट चीजें जो हम देखेंगे तो उनसे थोड़ा डर लगने लगेगा सही में। तो भाई कैसा लगा वीडियो, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।